आखिरकार सर्च के दूसरे दिन शाम ढलते ही नदी में डूबे हुए व्यक्ति का पता लग पाया। गोताखोर एवं MPSDREF की टीम सुबह से लेकर शाम तक लगातार नदी में सर्च करती रही। वही पुलिस बल भी लगा हुआ था, साथ में दर्जनों लोग नदी किनारे सर्च टीम पर आस लगाए हुए देख रहे थे। वही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। रविवार दोपहर बाद से लेकर रात एवं सोमवार के दिन भर परिजन भी आस लगाए बैठे थे कि आखिर कब मृतक का शव मिले और उसका अंतिम संस्कार किया जाए। टीम के साथ साथ स्थानीय लोग भी अपने स्तर से मदद कर रहे थे। गोताखोर एवं भोपाल से बुलाई गई टीम के साथ स्थानीय लोग भी डूबे हुए व्यक्ति की तलाश में लगे हुए थे। नदी किनारे के साथ साथ शाम 5 बजे के लगभग पुल पर दर्जनों लोग अपने वाहन को खड़ा कर रेलिंग पकड़कर सर्च टीम को देख रहे हैं, जिसके कारण नदी के पुल पर जाम लग गया। पुलिस ने मौके पर आकर जाम को हटाते हुए पुल पर किसी को खड़ा नहीं होने दिया। रविवार को दीपलाखिली निवासी नागू पार्डी उम्र 42 वर्ष की नहाते समय नदी में डूब गया था। वह नदी के इस पार से उस पार पानी में से जा रहा था, इसी दौरान बीच नदी में सांस फूलने या फिर अन्य किसी कारण से डूब गया, जिसका पता लगाने के लिए टीम लगातार बोट के माध्यम से नदी में सर्च कर रही थी। आखिरकार शाम को कोई सफलता मिल ही गई। लाश मिलते ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। वही पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। आष्टा से मोहम्मद सादिक की रिपोर्ट। Subscribe now to most exciting channel ever.